द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लेखपाल भर्ती के लिए ग्राम समाज एवं विकास के टोटल 25 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं और यह सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट शुरू करना है और प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले आप लोग के लिए एक सूचना है और महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आप लोगों को तो पता ही है कि परीक्षा के अंतिम समय में प्रैक्टिस सेट लगाने से ही सफलता मिलती है, तो इस मौके को आप लोग जाने बिल्कुल न दें और मात्र 50 रुपये में ही आपका अपना YouTube चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस 150 से भी अधिक प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवा रहा है। आप लोग इसे जल्द ही प्राप्त कर लें क्योंकि आप लोग की परीक्षा बहुत ही नज़दीक है और अब जो है निश्चित हो गया है कि 24 जुलाई को ही आपका परीक्षा होने वाला है। और इस प्रैक्टिस सेट को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया गया है, आप लोग उस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करके इस प्रैक्टिस सेट को प्राप्त कर सकते हैं। ये सूचना थी और सूचना समाप्त होती है। चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न पे चलते हैं और पहला प्रश्न है कि लेखपाल के कागजात पर हस्ताक्षर जो होते हैं वो कौन करता है? जिला अधिकारी करते हैं, राजस्व अधिकारी करते हैं या फिर ब्लॉक प्रमुख करता है, बैंक के महाप्रबंधक के लोग करते हैं? तो चलिए बताइए ऑप्शन कौन सा होगा और जो भी आंसर आप लोग को आता होगा उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग भी आंसर करते चलेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा वो भी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्व अधिकारी जो होते हैं वो लेखपाल के कागज पर हस्ताक्षर करते हैं, क्लियर। चलिए और दूसरी बात यह है कि लेखपाल या पटवारी जो होते हैं वो राजस्व विभाग का क्या होता है? कर्मचारी होता है, ये भी साथ ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न यानी 77 का आपके स्क्रीन पर है, इसमें पूछा गया उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया गया? 1950 में, 1952 में, 1963 में, 1974 में? क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन की बात किया गया है, वो भी भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया गया? तो ऑप्शन नंबर पहला ही 1950 बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मछुआरों को जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने कौन सा ढांचा तैयार किया है? एकल स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या फिर चार स्तरीय? तो यहाँ पे त्रिस्तरीय ढांचा तैयार किया गया है मछुआरों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए, क्लियर। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन, त्रिस्तरीय बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार जो है, उत्तर प्रदेश सरकार मछली पालन लोन योजना जो है प्रारंभ करके ऐसी जो है सरकार लोन मुहैया कराएगी इस योजना के तहत, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जिले स्तर पर विकास कार्यक्रमों का जो क्रियान्वित करती है वो किस प्रकार से करती है या कौन सी समिति है? इसमें समितियों के बारे में कहा गया है, अभिकरण भी है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। बहुत अच्छा, तो यहाँ पे आप लोग का कमेंट मिलता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, कमेंट करके आप लोग इसका आंसर बता फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। तो यहाँ पे ये जिला ग्राम विकास अभिकरण जो है यही कार्यक्रमों का क्रियान्वित करती है, भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न आपका है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आधारित अधोरचना के विकास में कौन सा में से किस कार्यक्रम का योगदान रहा है? मतलब निम्नलिखित में से जो कार्यक्रम है उनका किसका योगदान रहा है ग्रामीण क्षेत्रों के आधारिक अधोरचना के लिए? चलिए फटाफट आंसर आप लोग बताते रहें। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, चाहे वो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम हो या जवाहर रोजगार योजना हो या मनरेगा हो, उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएंगे। और अगला प्रश्न है कि केंद्र के सहयोग से राज्य के किस जिले में सैटेलाइट टाउन का विकास किया जा रहा है? सैटेलाइट टाउन है, ये डाउन नहीं है, सैटेलाइट टाउन का विकास किया जा रहा है, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ? क्वेश्चन अच्छा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे हापुड़ में ये व्यवस्था की जा रही है, वे बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, हाथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हाथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है, चलिए बताइए। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही, ये यमुना नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और हाथनी कुंड परियोजना जो है ये हरियाणा के यमुना नगर जिले में स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। साथ साथ इस योजना का निर्माण जो है 1996 से लेकर के, मतलब इसका जो
परियोजना है। इसका निर्माण 1996 से लेकर के 1996 से 99 तक जो है किया गया है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यमुना नदी पर। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया है कि समाज संबंधों का ताना बाना है, यह कथन किसका है? ये ताना बाना लिखा गया है, तो समाज संबंधों का ताना बाना है यह कथन किसका कहा गया है, किसके द्वारा कहा गया है? तो ये मैकाइबर के द्वारा कहा गया है, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा आप लोग को, उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा कष्ट झेल रहे होंगे इस प्रैक्टिस सेट में, लेकिन कोई नहीं, आप लोग थोड़ा कंजेस्ट करिए, अपने क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लेंगे तो स्पष्ट दिखने लगेगा। 84 नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, ग्रामीण जो भारतीय ग्रामीण समाज में दूल्हा जिसको वर कहा जाता है, उसकी उम्र शादी के समय वैधानिक रूप से कितनी होनी चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 21 वर्ष से कम, 21 कम से कम 21 वर्ष हो, या ऐसा कोई नियम ही नहीं है कम से कम 25 वर्ष हो, तो यहाँ पे कम से कम उसकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। लड़के की उम्र यानी वर की उम्र जो है 21 वर्ष होनी चाहिए, और लड़कियों की उम्र अभी वर्तमान में जो है वो कितना है, तो वो जो है वो 18 वर्ष निर्धारित की गई है, ध्यान रखिएगा। हो सकता है ये इसकी उम्र को बढ़ा दिया जाए, लड़कियों की उम्र 21 और लड़के की उम्र शादी के 23 साल, ये जो है चर्चा चल रहा था बीच में, लेकिन अभी हुआ नहीं है ऐसा, लेकिन बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी? श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में, सारनाथ में? तो यहाँ पे कुशीनगर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। भगवान बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, उन्होंने जो है अपनी अंतिम जो जीवन की यात्रा रही वो कुशीनगर में बिताई, ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? देखिए और बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा। उत्तर प्रदेश का लोकगीत कौन सा नहीं है? बिरहा, ढोला मारू, कजरी, रसिया? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर इसका जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ढोला मारू जो है ये अपने उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये कहाँ का है? तो ये राजस्थान का है। कहाँ का? राजस्थान का है, ध्यान रखिएगा। और बाकी सभी जो हैं उत्तर प्रदेश के हैं। इसी के साथ अगला प्रश्न है, नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में स्थित है? ये नैमिषारण्य जो तीर्थ स्थित है, ये 80,000 ऋषियों की तपोभूमि भी इसको कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। साथ साथ इसका ऑप्शन जो सही होगा वो सीतापुर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सीतापुर जनपद में या सीतापुर जिले में ये स्थित है, ध्यान रखिएगा। और ये नैमिषारण्य जो है लखनऊ से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है, गोमती नदी के बाएँ तट पर स्थित है, और ये हिंदू का एक तीर्थ स्थल भी है। क्लियर? चल, बहुत अच्छे। और अगला प्रश्न आपका है कि रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग है। कौन सा है? हथकरघा उद्योग है। और इस पर बल किसने दिया था? तुम्हारे महात्मा गांधी के द्वारा इस पर जो है बल दिया गया है। क्या ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कुटीर उद्योग के अंतर्गत आने वाला रोजगार है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर जो बीजारोपण दर है वो क्या है? यानी कि एक हेक्टेयर में जो धान की बीज को लगाया जाता है, लगभग कितने किलो या कितना प्रति हेक्टेयर, कितना किलो प्रति हेक्टेयर लगाया जाता है? 10 किलो, 15 किलो, 25 किलो या फिर 30 किलो? तो यहाँ पे 15 किलो प्रति हेक्टेयर की बजट के, मतलब 15 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है बीजारोपण की जाती है उन्नत चावल के बीज की खेत। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है कि प्रोटीन, गेहूं में जो प्रोटीन की प्रतिशतता है वो कितना है? तो गेहूं में प्रोटीन की प्रतिशतता यहाँ पे 12% बिल्कुल सही हो जाएगा। सामान्यतः 8 से लेकर के 15% तक माना जाता है, बीच में जो भी ऑप्शन मिलेगा आपको वो बिल्कुल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है वो कौन सा सही हो जाएगा? पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 12%। वहीं पे बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, तो गेहूं में जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है वो 65% से लेकर के 70% तक जो है माना जाता है। और वसा इसमें जो है 1.5% वसा है और 2% इसमें खनिज होता है। गेहूं की बात ये कर रहा हूं मैं। अगला प्रश्न है आपका, इसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है? तो यूपी में किस जिले में पटसन की खेती की जाती है?
तो ये देवरिया और गोरखपुर जिले में पटसन की खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी जो उत्तर प्रदेश में स्थित है वो कहाँ है? इलाहाबाद, कानपुर, झांसी, मथुरा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की जो तेल रिफाइनरी है वो आपका एक ही है और एक आपका विद्युत संयंत्र केंद्र भी एक ही है उत्तर प्रदेश में, ये दोनों एक ही की ही हैं। और ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये मथुरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और ये जो लगाया गया था ये देश की 12वीं जो है तेल रिफाइनरी है, ये भी ध्यान रखिएगा। देश की 12वीं है और इससे की जो है 6वीं रिफाइनरी है और देश की मथुरा रिफाइनरी देश की 12वीं है तथा IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की 6वीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, 6वीं जो है वो क्या है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की 6वीं है लेकिन देश की 12वीं है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका कि राधा के जन्म स्थान के रूप में किस स्थान को जाना जाता है, यानी कि राधा का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? वृंदावन में, मथुरा में, द्वारका में, बरसाना में। तो ये बरसाना बिल्कुल सही ऑप्शन, और बरसाना में ही आपके लठमार होली खेली जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। साथ साथ अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि ये खाली स्थान पे कौन सा शब्द भरा जाएगा? हरदौला कथा विशेष रूप से किसके लोकगीत हैं जो कि उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं? मिर्जापुर, बुंदेलखंड, अवध या ब्रज। बहुत अच्छे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बुंदेलखंड जो है बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लगभग फैले हुए हैं और ये हरदौला कथा होता है। साथ साथ अगला प्रश्न है कि ग्राम स्तर जो भू प्रबंधन समितियां हैं उनका सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत अधिकारी होता है, ग्राम विकास अधिकारी होता है, लेखपाल होते हैं या फिर राज्य सरकार द्वारा मनोनीत जो कोई भी कर्मचारी हो सकता है इसमें? तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे लेखपाल केवल होता है जो भू प्रबंधन समिति का सचिव होता है। क्लियर, ध्यान रखिएगा, वो भी किस स्तर पर? ग्राम स्तर पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा और आप लोग लेखपाल की परीक्षा भी देने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। साथ साथ नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में जो है किस जनपद के लिए कृषि निर्यात क्षेत्र को अधिसूचित जो है किया गया है? आलू को, आम को, बासमती चावल को या इन सभी को? तो यहाँ पे इन सभी को ये किया गया है, डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। साथ साथ अगला 97 नंबर का है कि केंद्र सरकार द्वारा किस कृषि उत्पादन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया जाता है? गन्ना, अरहर, धान, गेहूँ। तो ये गन्ना बिल्कुल सही हो जाएगा, इसके रेट जो है लगभग कह सकते हैं कभी कभी घट जा, मतलब घटते तो नहीं हैं, लगभग बढ़ते ही रहते हैं, लेकिन ये कब बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है कि उसका कोई जो है MSP निर्धारित नहीं किया गया है। और गन्ना के लिए उचित और लाभकारी मूल्य जो होता है वो FRP की सिफारिश पर की जाती है, ध्यान रखिएगा। और FRP का पूरा नाम है फेयर एंड रेम्यूनेटिव प्राइस। क्लियर, चलिए। और इसका निर्माण स्थापना जो है 1966 में ही किया गया था FRP, ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान जो संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? सैफाई, इटावा, तिरवा, कन्नौज, आजमगढ़, बदायूं। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन, ये सैफाई इटावा में स्थित है, फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है 2011-12 में जो भारत के किस राज्य में ग्रामीण निर्धनता अनुपात सबसे अधिक रहा? बिहार में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में। तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक निर्धनता जो अनुपात सबसे अधिक रहा और सन था 2011-12 का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला ये आखिरी प्रश्न है प्रैक्टिसर का, इसमें आप लोग को बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो महिलाओं को पुरुषों के साथ बराबरी के स्तर पर लाने के लिए सकारात्मक विभेद को अनुमान्य करता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 15 ही ऐसा अनुच्छेद है जो महिलाओं को पुरुषों के साथ बराबरी स्तर पर लाने के लिए सकारात्मक विभेद का अनुमान करता है। क्लियर, चलिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग 25 प्रश्नों को किए, 25 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमारा वीडियो लाइक अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस में, तब तक के लिए धन्यवाद।